दोस्तों, सूरज या सौरमंडल की आकाशगंगा के केंद्र के आसपास घूमने की गति और आकाशगंगा के इंटरस्टेलर स्पेस में गति क्या है? हम अंतरिक्ष में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? वास्तव में गति के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि सच्ची गति मौजूद ही नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि हम सापेक्ष गति के बारे में बात करें। तो पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसकी गति भूमध्य रेखा पर 1000 मील प्रति घंटे के बराबर होती है। अब जैसे जैसे भूमध्य रेखा के तरफ से ध्रुव प्रदेशों की तरफ आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी गति धीमी होती जाएगी। पृथ्वी सूरज के आसपास अपनी कक्षा में पूरे 1 साल के दौरान थोड़ी अलग अलग गति से घूमती है। नए साल के दौरान के दिनों में बहुत ही तेजी से और जुलाई की शुरुआत में सबसे धीमी गति से घूमती है, लेकिन उसकी सूरज के आसपास घूमने की औसतन औसतन गति 66,666 मील प्रति घंटा है। हमारी आकाशगंगा में सूरज या पूरा सौरमंडल गैलेक्टिक कोर के आसपास घूमते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के केंद्र से कुछ 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है और पूरी आकाशगंगा उसका चक्कर पूरा करने में 250 मिलियन वर्ष जितना समय लेती है। इस दौरान हमारे सौरमंडल की स्पीड 4,20,000 मील प्रति घंटा होती है। हमारी आकाशगंगा खुद दूसरी अन्य आकाशगंगाओं के एक स्थानीय समूह के साथ 22,37,000 मील प्रति घंटा होती है की रफ्तार से गति कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। यह बात CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के साथ जुड़ी है। CMB ब्रह्मांड में हम जिस कोने में हैं उसे परिभाषित करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तो कुल मिलकर हमारी गति क्या हो, आइए जानते हैं। पृथ्वी की अपनी धुरी घूमने की गति 1000 मील प्रति घंटा है, प्लस पृथ्वी की सूरज के आसपास घूमने की गति 66,000 मील प्रति घंटा, प्लस हमारे सौरमंडल की आकाशगंगा के केंद्र के आसपास घूमने की गति 4,20,000 मील प्रति घंटा, प्लस हमारी आकाशगंगा की दूसरी आकाशगंगाओं से दूर जाने की गति 22,37,000 मील प्रति घंटा इज इक्वल टू 27,24,646 मील प्रति घंटा। पूरे ब्रह्मांड में सभी चीज़ें मूवमेंट में हैं और या शायद पूरा ब्रह्मांड भी। आप इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन अभी इस वक्त आपकी गति सुपरसैनिक जेट प्लेन से भी ज़्यादा है। तो अगर आपको कोई यह कहे कि आप आलसी हैं या पूरा दिन सोते रहते हैं, तो उन्हें अपनी यह स्पीड बताना मत भूलिए। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार और नए नए वीडियो बना सकें। थैंक यू।